हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूं संजय, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक स्पेस सपोर्ट। तो दोस्तों, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में आपको क्या प्रोसेस बताएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको कि अपना जो सॉन्ग होता है, यानी कि जो सॉन्ग आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, अगर वो किसी कारण कुछ समस्या आती है सॉन्ग में, तो उसको टेक डाउन कैसे करें। तो उसको टेक डाउन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस XYZ पूरा बताऊंगा कि इस तरह करना है, क्या करना है। तो दोस्तों, उसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और जिस भाई को डैशबोर्ड लेना हो, वो मेरे को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर देना। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे मुझसे संपर्क कर सकते हो। आपको यहाँ पे ओरिजिनल कंप्लीट डैशबोर्ड बना के मिलेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको पूरा डैशबोर्ड मिलेगा, आपको डायरेक्ट सॉन्ग अपलोड करना है। तो दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपको मैं पूरा प्रोसेस अपने लैपटॉप के अंदर इस लैपटॉप पे बताऊंगा, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। आप यही प्रोसेस आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों, हम आ गए अपने मोबाइल यानी कि लैपटॉप की स्क्रीन पे। दोस्तों, आप ये पूरा प्रोसेस अपने यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे कर सकते हो, यानी कि मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे कौन से डैशबोर्ड का टेक डाउन करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको ST डिजिटल डैशबोर्ड का टेक डाउन करना बताऊंगा। तो दोस्तों, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ST डिजिटल डैशबोर्ड को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, देख सकते हो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है। थोड़ा वेट करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आ गए हमारी साइड, यहाँ पे सारेगामा टोन डिजिटल। तो हमें सिंपली इसको ओपन कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ओपन करोगे, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो साइन अप एंड लॉग इन। तो यहाँ पे हमें लॉग इन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे अपनी जो भी आईडी हो उसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे सॉन्ग को टेक डाउन किस तरह करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सॉन्ग बहुत सारे को पता नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो यूट्यूब रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप क्लेम भी रिलीज कर सकते हो, कंटेंट आईडी भी ले सकते हो, आर्टिस्ट चैनल रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, और यहाँ पे व्हाइट लिस्ट रिक्वेस्ट पे आप अपना चैनल जोड़ सकते हो, ताकि आपके चैनल पर बिल्कुल भी कॉपीराइट नहीं जाए जो भी आप सॉन्ग इस पर अपलोड करोगे उससे। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ पे क्या करना है। तो दोस्तों, हमें सॉन्ग को टेक डाउन करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो टोटल फाइनल रिलीज एल्बम, हमें सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, इसको ओपन होने देते हैं। देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, वो यहाँ पे सभी सॉन्ग यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेसिंग बता रहा है, तो यहाँ पे पूरे सॉन्ग यहाँ पे लोडिंग हो रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे सॉन्ग यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको किस तरह यहाँ पे प्रोसेस करना है, यानी किस तरह सॉन्ग को टेक डाउन करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको जाना है एक्शन। देख सकते हो यहाँ पे ऊपर एल्बम टाइटल क्रिएटेड बाय लेबल नेम और कैटेगरी नंबर और स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज पे आप क्या सॉन्ग किस किस स्टोर पे गया। तो यहाँ पे आप इस तरह क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो कि किस किस स्टोर पे गया। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे बताता है कि यहाँ यहाँ पे गया। तो आपको टेक डाउन करने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे चार ऑप्शन है, एक तो व्यू, एक यहाँ पे टेक डाउन रिलीज, एक यहाँ पे स्मार्ट लिंक, और यहाँ पे कॉपी लिंक। तो यहाँ पे हमें टेक डाउन रिलीज पे क्लिक करना है। जैसे आप टेक डाउन रिलीज पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा वेट करना है, तो इस तरह यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो अब यहाँ पे आ चुका है एल्बम इमेज और टाइटल और UPC। जैसे हमने टेक डाउन रिलीज पे क्लिक किया, तो यहाँ पर इस तरह आ चुका है। तो दोस्तों, मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे जो ST वाला डैशबोर्ड होता है, उस पर आपको पेमेंट देना पड़ता है सॉन्ग टेक डाउन करवाने के लिए। यानी कि सॉन्ग को टेक डाउन करना यहाँ पे कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यानी कि पूरे प्लेटफॉर्म पे से सॉन्ग को टेक डाउन करना ऐसे नहीं हो जाता, इसलिए यहाँ पे वो पूरा प्रोसेस करने के लिए इसका पेमेंट लेते हैं। तो आप अगर आपको इसको टेक डाउन करवाना है, तो यहाँ पे 1000 पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे इस तरफ वेट करना है थोड़ा, उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा कि किस
देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पे QR आ चुका है। इस पर जैसे आप पेमेंट करोगे या आप UPI ID जो भी आप इस पर करोगे, इन सब पे करने के बाद हमें यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका सॉन्ग यहाँ पे प्रोसेस में चला जाएगा टेक डाउन होने के लिए। आपका यहाँ पे सॉन्ग 24 घंटे से पहले पहले यहाँ पे टेक डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इसी तरह यहाँ पे सॉन्ग को टेक डाउन करना है। यहाँ पे मैंने पहले भी टेक डाउन कर रखे हैं, क्योंकि बहुत सी बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है सॉन्ग से रिलेटेड, इसलिए उसको टेक डाउन करना ही पड़ता है। तो आपको इस तरह यहाँ पे टेक डाउन करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो आपको इसी तरह यहाँ पे सॉन्ग को टेक डाउन करना है। दोस्तों आप इस पूरा प्रोसेस को अपने मोबाइल के अंदर भी कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं जो फ्री में टेक डाउन करती हैं, बट जो ST वाले होते हैं वो टेक डाउन करने के पेमेंट लेते हैं। तो बहुत सारी कंपनी में आप कॉन्टेक्ट करके भी टेक डाउन करा सकते हो। तो आपका सबका अलग अलग प्रोसेस रहता है, ताकि यानी कि सभी का एक जैसा नहीं होता। सभी कंपनियाँ अलग अलग तरीके से सॉन्ग को टेक डाउन करती हैं। बहुत सारी कंपनियों को मेल करना पड़ता है, बहुत सारे के मैसेज करना पड़ता है, तब जाके टेक डाउन होता है। बट जो ST वाले होते हैं उसमें आपको पेमेंट करने के बाद अपने आप प्रोसेस में चला जाता है, उसके बाद अपना आप टेक डाउन हो जाता है। तो दोस्तों जिस भाई को डैशबोर्ड लेना वो मेरे को मैसेज कर देना। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे डेली वीडियो मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।